Dear students, today we will study about types of crystalline solids. Just a recap. So, till now we have studied that matter has three states solids, liquids, and gases. And then we studied about solids, they are tightly packed, they are fixed shape, fixed volume. And further, we studied about different types of solids based on the arrangement of the particles. याद है ना कल हमने ये पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एम सॉलिड्स के बारे में तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर बेस्ड है ओके सो विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओके सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ फोर टाइप्स आयनिक सॉलिड्स दे आर मेड अप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स कोवलेंट solid made of covalent crystals then molecular solids from molecular crystals and metallic solids from metallic crystals so we'll study one by one so before we proceed uh, i think you, you all know what are atoms molecules and ions so just a brief introduction so you know like uh, you have studied bohr's atomic model um, so i think you all know in in the center there is a nucleus दैन the electrons they are revolving around the nucleus in orbits. is is ko thoda dhyan se Ye, jo hai, jo diagram को थोड़ा ध्यान से देखिए ये जो electrons हैं यहाँ पे जो आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं और इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है ना सबके आपस में डिस्टेंस ऐसा है लेकिन यहाँ हम आगे पढ़ेंगे कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे घूमते हैं तो भागते भागते कभी कभी इनका डिस्टेंस जो है आपस में डिफरेंट हो जाता है एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे ओके सो यू ऑल नो वॉट आर आइटम्स देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स सो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइटम्स यू नो और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरह के आइटम से भी बने हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स भी बने हो सकते हैं लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये दोनों जो है इसमें uh, क्या है दोनों एटम्स uh, जो हैं दोनों हाइड्रोजन के हैं तो ये सेम सेम एलिमेंट का मॉलिक दोनों आइटम्स जो हैं सेम मॉलिक्यूल के हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वो सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है मॉलिक्यूल और uh, ये दोनों डिफरेंट हैं और डिफरेंट हैं और uh, इन दोनों का Uh, वो भी डिफरेंट है मीन्स चार्ज वगैरह ये आइन्स बना रहे हैं सोडियम यू नो सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पे दोनों सेम है तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है अलेवेंथ में भी सो कैन यू टेल या हाइड्रोजन में जो ये बॉन्डिंग है शेयरिंग से हो रही है ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं सोडियम so, में अगर आप देखोगे तो सोडियम के आउटर शेल में आ, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है हाँ लेकिन ऑक्टेट जो है एट होना चाहिए बाहर वाले शेल में तो आ, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि वो क्लोरीन को दे देता है क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इट रिक्वायर्स वन सो व्हेन सोडियम ट्रांसफर्स वन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन इट बिकम्स एन ए पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड और क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो ये आयन्स बन जाते हैं तो ये मॉलिकल सोडियम क्लोराइड जो है ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है so, सो आपको पता है मोलिकुल्स कैसे बनते हैं एटम्स क्या होते हैं और तीसरे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैं आयंस सो यू नो आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स अभी जैसे हमने वो एग्ज़ैम्पल देखा है सोडियम एंड क्लोरीन वाला तो सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसलिए वो पॉजिटिव uh, चार्ज हो जाता है ठीक है जो देता है वो पॉजिटिव ही होता है हु? और जो लेता है वो नेगेटिव सो so, आप याद रखना लेने वाला जो है वो नेगेटिव क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है और सोडियम उस एग्जाम्पल में जो हमने देखा था सोडियम उसमें पॉजिटिव है सो so, आयंस जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सो इज इट क्लियर तीनों के बारे में एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस सो so, आयन की डेफिनेशन अभी जो हमने डिस्कस uh, किया वही आयन इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम मीन्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है सो एग्जाम्पल एन ए सी एल इसमें आयनिक बॉन्ड होता है वी हैव डिस्कस्ड अब हम बात करेंगे uh, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स जो है अब हमने पढ़ने हैं तो हम एक एक करके अब उनकी स्टडी करेंगे ओके okay?